हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्ट टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि यदि आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम है और आप उस एटीएम का पिन नंबर भूल गए हैं तो बिना बैंक गए ही दोबारा कैसे पाएं। सो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक बैंकिंग ऐप फ़ोनपे को डाउनलोड कर लेना है। सो दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप्स में बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, भूले हुए एटीएम पिन नंबर को दोबारा पाने के लिए इस ऐप्स में बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए माई मनी पर टैप करना है। फिर बैंक अकाउंट पर टैप करना है। अब आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पर टैप कर देना है। फिर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही बैंक को सेलेक्ट करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट इस ऐप से ऐड हो जाएगा। दोस्तों, भूले हुए एटीएम पिन नंबर को पाने के लिए दोबारा माई मनी पर टैप करना है। फिर बैंक अकाउंट पर, जैसे ही आप बैंक अकाउंट पर टैप करते हैं तो आपके सामने आपका बैंक अकाउंट शो करेगा। आपको बैंक अकाउंट पर टैप कर देना है। अब आपको यहां पर यूपीआई पिन रीसेट और चेंज का ऑप्शन दिखेगा। यदि आपको पुराना एटीएम पिन नंबर याद है और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक कीजिए, और यदि आप एटीएम पिन नंबर भूल गए हैं तो रीसेट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, हमें भूले हुए एटीएम पिन नंबर को दोबारा पाना है तो हम रीसेट पर क्लिक करेंगे। रीसेट को क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा और एक्सपायरी डेट को भी इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद प्रोसीड कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ इंटर कर देना है। अब आपको जो भी ATM पिन नंबर सेट करना है उसे सेट UPI पिन में इंटर कर देना है। फिर कंफर्म UPI पिन में इंटर कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म UPI पिन में एंटर करेंगे तो आपका न्यू ATM पिन जनरेट हो जाएगा और यही आपका न्यू पिन ATM पिन नंबर होगा। दोस्तों, आप भी इन आसान से स्टेप को फॉलो करके भूले हुए ATM पिन को दोबारा पा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए।